यार कमाल है पाजी, कोई नजर ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं पाजी, आज महफिल हम सजाएंगे, आज शो हम शुरू करेंगे। चलो जी। सो हेलो एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। हेलो बेटे, बेटे मैं तुझे सच बता रहा हूँ, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। अच्छा मैं नहाने जा रहा था, पानी चला जाता 9 बजे, मैंने कहा पानी चला जाए गुस्सा नहीं जाना चाहिए, मैं थप्पड़ मार के आता हूँ। बेटे मैं कंफ्यूज हो गया कि तुम्हारा मुंह ज्यादा गंदा है कि तुम्हारी आवाज। पर तुम्हें ये जान के खुशी होगी इसमें तुम्हारा मुंह जीत गया है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। अच्छा अरोड़ा साहब मैं ना आपको एक चीज बतानी भूल गया कि इतना सा भी नहीं पसंद आया। अरोड़ा साहब मैं आपको एक बात बताने भूल गया हूँ कि आजकल मैंने ना बुजुर्गों ने लिहाज करना बंद कर दिया है। ओ हाँ, तो हाथापाई शुरू कर दिया मैंने, रिजल्ट भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। अच्छा अच्छा यार कमाल है तू, मेरे बेटे जैसा। इधर हाँ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? तू मेरे बेटे जैसा बेटा हो गया, ऐसी बात करता है तू? बेटे पर हाथ कौन उठाता है? मैं मेरे को बड़ा मजा आता है, वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन मैं खाली मुंह देता हूँ, मैं मौकाटेरियन हो जाता हूँ, मैं लगा देता हूँ। तो आजकल फिर आप न्यूज देखा करो, उसमें शांत तो नहीं? नहीं उसमें अजीब अजीब खबरें आ रही हैं कि चाय वाले ने किसी बुजुर्ग के मुंह पर पतीला मारा, चाय वाले ने बुजुर्ग के मुंह पर चाय फेंकी वो भी झूठी। अच्छा चलो, मेरे दादाजी जाते जाते मुझे एक बात कह के गए थे, कहते गरीब आदमी को कभी हाथ नहीं उठाना। ये आपके दादाजी ने बड़ी अच्छी बात सिखाई आपको, पर मैं भूल गया। अच्छा मैं भूल जाता हूँ। मैं भूल जाता हूँ, उस दिन मैं नहाने जा रहा था, मैं भूल गया वो क्या होता है वो जो ऐसे लॉक, लॉक नहीं यार, एसीबी प्रद्युमन। उसका सीरियल आ रहा था सीआईडी, मेरे को बड़ा पसंद है। अच्छा मैं भूल गया कि मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरे को समझ भी नहीं आया। मैंने एक काम करना है, मैंने एक दिन दया को बुलाना है। अच्छा, और इसका नाम रख देना दरवाजा, मैंने कहा दया तोड़ दे दरवाजा। डॉक्टर साहब इतना गुस्सा मत करो, पेंट पीली हो जानी आपकी। तेरी बात उनको बिल्कुल पसंद आई, देख इसलिए तेरा सामान फेंक रहा है। बस अरोड़े बस, ट्रक गुलाटी ट्रक। एक बार ना आदमी को हार्ट अटैक आ जाए, पर ऐसा भाई नहीं आना चाहिए कभी भी। देख मेरे हॉस्पिटल में अब तू नहीं रहेगा, मेरे हॉस्पिटल में एक बेड था वो मैंने रेंट पे दे दिया, अब तू यहाँ से चला जा। मैं तो कहता हूँ पाजी गुलाटी साहब की एज एन हीरो पिक्चर आ जाए, लेकिन इस जैसा बंदा सोसाइटी में नहीं आना चाहिए। ये मेरी बेइज्जती थी कि मेरी प्रेज थी, मेरे को कदम में नहीं आया। हैं? मैंने वैसे मैं गुस्सा करता नहीं क्योंकि मैंने बाबा जी का नाम लिया हुआ है, पर मेरे को एक बात बड़ा गुस्सा आया सिद्धू साहब, जब आपका 1990 में मैच था। हाँ बिल्कुल, बकार यूनुस ने आपको 0 पे आउट किया था, मेरे को बड़ा गुस्सा आया था, मैंने गुस्से में अपना टीवी तोड़ दिया, उसके बाद मैंने गुस्सा कंट्रोल कर लिया, अपना टीवी टूटता है। आप बदतमीजी करी जा रहे हैं डॉक्टर साहब, आप कुछ कहते क्यों नहीं है? जगह पतीला। मैं कुछ कहूँ? आप कुछ कहिए प्लीज। मैं कुछ कहता हूँ, एक थूक मेरी तरफ से भी फेंको इसके अंदर। मेरा भाई मुझे ये बड़ी बात की पूछी है, हम आपस में जितना मर्जी लड़े, बीच में तेरे लिए मेरी तरफ से थप्पड़। बड़ा प्यारा भाई है बड़ा। यार बचपन की भी क्या याद है। एक मिनट यार, तो मेरे से ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रहा, हम तो लड़ रहे थे। एक मिनट यार, हेड हेड हेड। अच्छा इतना बड़ा हो गया सिद्धू साहब, इसे अभी भी सामान फेंकना नहीं आता, ऐसे फेंकते ऐसे फेंको ऐसे ऐसे। कैसा आदमी अपना ही सामान फेंक रहा है। अच्छा मैं बात बताऊं, मैं लड़की छेड़ दूं मेरे पे इल्जाम नहीं आता, मेरे पास सामान कहां से आ गया, ये तुम्हारा सामान था। ये क्या मेरे सामान पे अपना नाम लिखा हुआ है इसने? यार मैं मशहूर गुलाटी, आज सबके सामने तुझे अपनी नजरों से गिराता हूँ। नजरों से गिराएगा, स्कूटर तो तेरे पास है नहीं है। ये पहला मैंने डॉक्टर देखा है जो पैदल जाता है। अथू सिद्धू साहब इसे समझा लो, मैंने इसकी जान ले लेनी है। मैंने देनी नहीं है। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स।